नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी बोरा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम कमरे में और मम्मी वहाँ रेडी हो रही है, तो मैं आपको मम्मी से मिलाती हूँ, फिर हम निकलते हैं स्कूटी में। दोस्तों, आप मम्मी को देख सकते हो, मम्मी ने आज मस्ती सी साड़ी पहन रखी है और मम्मी ऐसी पल्लो बनाती है, मम्मी ज़्यादा फैशन वैशन वाली नहीं है। तो मम्मी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे भतीजी के घर में जा रहे हैं, वहाँ बर्थडे है नाती का, इसलिए। और आज मम्मी ने पिठा मिठा भी लगाया है। आज संक्रांत कहते हैं ना, बृहस्पति संक्रांत है। हाँ, तो आज मम्मी ने पूजा वूजा करी थी, तो मम्मी ने पिठा भी लगा रखा है। हमारे इसमें पिठा बोलते हैं टीका को पहाड़ी भाषा में। तो अब मम्मी और मैं वहाँ जाएंगे और वहाँ मम्मी की भाभी भी आने वाली है, भैया भी आने वाले हैं और मेरी मामी दीदी भी हैं, और मतलब मेरी ताई जी जो थी वो वहीं चली गई है। तो आज हम वहाँ का ब्लॉग आप सबको दिखाएंगे, वहाँ कौन कौन आने वाला है और मम्मी वहाँ कौन भी रहता है। बबली दी भी रहती है ना, बबली भी रहती है, ब्लॉगर बबली, ब्लॉगर बबली बोल रही है। तो वहीं जाएंगे, आज वहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो देख सकते हो मम्मी ने मस्त सी पिंक रंग की साड़ी पहन रखी है और मैंने ये सूट पहन रखा है पटियाला। तो दोस्तों, बने रहे ब्लॉग में। सुबह से लाइट नहीं है तो इसलिए मैं चार्जर भी रख ले रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो मैं वहाँ का ब्लॉग कैसे बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ तो बर्थडे शाम को ही बनेगा और हम यहाँ घर में अब सिर्फ डॉगी को छोड़ के जा रहे हैं और हम अब सीधे रात को ही आएंगे 6 बजे करीब। तो दोस्तों, अब हम रोड पर चल रहे हैं। ये मम्मी ने पूरा मुँह बांध रखा है क्योंकि मम्मी आजकल मुँह में क्रीम लगा रही है ना, मतलब थोड़ा छाया वाया वाली, तो उसमें मतलब ये सन इसमें जाना मना है। तो अभी धूप वूप है तो थोड़ा बहुत, इसलिए मम्मी ने मुँह बांध रखा है और भाई आधे रास्ते में हमें छोड़ के चले गया और हम चल रहे हैं। तो दोस्तों, इतना धूप में चलने के बाद फाइनली अब हम घर पहुंचने वाले हैं। छोटू को बर्थडे विश भी करेंगे हम लोग अब। तो ये देखो, दीदी ने फूल भी कितने अच्छे उगा रखे हैं। तो अंदर एंट्री करते हैं अब। तो आज इसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रांशु। हाँ, तो प्रांशु आज बर्थडे, फिर पार्टी वार्टी है रात को। बर्थडे हुआ सर, चॉकलेट लेके आई हूँ प्रांशु की खुशी देख रखे हो, थैंक यू। तो बोलो हाँ ये, और उसकी बहन देखो कैसे पढ़ाई कर रही है, और ये बर्थडे पढ़ाई में बहुत होशियार है बहन, देख रखे हो, कुरकुरा तक नहीं देख रही है, कुरकुरे में नजर तक नहीं पड़ रही है बहन की। ये देखो उसकी राइटिंग, डायरी मिलकर हुआ वो की नहीं लाई, कितनी अच्छी ड्राइंग बना रही है। और इसको देखो, दो दो बच्ची वो रही लल्ला लल्ला लोरी हरियाणा में। हाँ, ये देखो पैर में सोया हुआ और लल्ला लल्ला लोरी खुद ही गा रहा है ये। ये देखो, एक वो उधर सोई हुई है नानी के साथ में और ये इधर मौसी के साथ में सोया हुआ है। ये देखो कैसे चिढ़ रहा है, मैं सोऊंगा वल नानी के साथ, इसको देखो नकर वल। यहाँ आ जा, तो मेरे पास आ जा। तो दोस्तों, आप इन बच्चों को देख सकते हो, जब से मैं आई हूँ ये ऐसे चिपके हुए मेरे में, और मेरे सर की मसाज भी कर रहे हैं, ये देख सकते हो। इसको तो देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा है मेरे को। साथ में ये भी, शायद इनकी शक्ल दिख नहीं रही होगी अभी आपको, क्योंकि यहाँ पर बाहर से खिड़की से थोड़ी धूप आ रखी है। तो हेलो गाइस बोल दो बच्चों। हेलो गाइस। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पीने लग गए हैं ये लोग चाय, और इधर ये दीदी बैठी है और ये मम्मी है। मम्मी ने चेंज कर लिया इस वक्त क्योंकि साड़ी में अनकम्फर्टेबल लगता है, और ये कटकी वाली चाय पी रहे। इधर देखो, गुलका पूरा ढिलाई उठा के लाई है दीदी। छोटू उधर बैठ गया, बर्थडे बॉय है। हाय। तो दोस्तों, फाइनली अब शाम हो चुकी है और इस वक्त 5 बज रहे हैं, और मैं इस वक्त बर्थडे बॉय के रूम पर हूँ, और इधर हल्का सा डेकोरेट कर रखा है, मतलब देख सकते हो आप। तो ये डेकोरेट मतलब मैंने किया था, फिलहाल हल्का फुल्का है बर्थडे में, ज़्यादा वो नहीं है, बच्चे की खुशी के लिए बर्थडे बना रहे हैं। तो हल्का फुल्का हमने सजाया है, और ये पावनी है इसकी दीदी, छोटू की दीदी, तो उसने और मैंने मिलकर इधर उसकी खुशी के लिए थोड़े से मतलब इधर बलून वलून लगाए थे, केक वेक भी लेके आ गए हैं, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना खुश है वो। ठीक है, तो बने करो। ये बच्चा पार्टी चल रही है, बड़ों की पार्टी अलग होती है, इधर बच्चों की पार्टी अलग हो रही है। ये देखो, ये
है तू ठीक है? हाँ मैं भी बढ़िया। और एक ब्लॉगर ये भी ब्लॉग है क्या? हाँ ये भी ब्लॉग बहुत बताई हो ब्लॉग बनाने की भी। और ब्लॉगर है इनके भी हो चुके हैं, मैंने देखा था मोनेटाइज हो चुका है चैनल। हाँ मोनेटाइज सब्सक्राइब कर रखा है इनको। इधर इसका केक हो गया रेडी और इधर छोटू खड़ा है और इधर दीदी है। पिठा लगा रहा है अभी केक का, केक का नाम पिठा लगाया जा रहा है। ये मामी जी खिला रही है अपने नाती को केक, भाई नानी के हाथ से केक खाता हुआ। चलो हमारा ले ला ना खिला दो। चलो हम यहाँ फोटो खींचते हैं। चिंटू क्या फेवरेट नानी चिंटू को केक खिला रही है। चिंटू की तो फाइनली बर्थडे हो चुका है खत्म। तो आप देख सकते हो चिंटू हो गया खुश, सुबह से कह रहा था निमंत्रण देके आता हूँ सभी को निमंत्रण देके। अब चिंटू खुश हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली बर्थडे सब कुछ बन चुका है और सब लोग जा चुके हैं। अब सिर्फ पावनी और मैं हैं और पावनी और मैं टॉफ़ी खा रहे हैं। क्यों पावनी? हाँ बर्थडे की बची हुई। तो पावनी बर्थडे कैसा रहा तेरे छोटे भैया? अच्छा रहा। कितना एंजॉय मारा? इंजॉय बहुत किया बच्चे लोगों के साथ में और खाना पीना भी बहुत मस्त बनाया था दीदी ने, है ना? हाँ। पेड़ भर के खाया पाऊंगी? ना पेड़ भर के नहीं खाया। क्यों? ना भूख नहीं लगी थी। ओहो हाँ क्योंकि इसने केक ज़्यादा खा लिया था ना तो इसको भूख नहीं लगी थी इस चक्कर में। तो दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आज मैं यहीं रुक रही हूँ। मम्मी लोग जा चुके हैं घर पर तो ये कह रही थी मौसी रुक जा मौसी रुक जा, तो मैं रुकी हूँ यहाँ। अब हम 3 तारीख को बर्थडे ना 30 तारीख को मेरी शादी है और 3 तारीख को इसका बर्थडे है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग यहाँ का आएगा 3 तारीख को अगर मैं आ गई तो शादी के बाद। तब तो कुछ कहना चाह रही है पावनी? ना। क्यों? पावनी के शब्द इस वक्त नहीं रहे, टॉफ़ी खाने में व्यस्त है वो। कितनी टॉफ़ी खा चुकी होगी अभी तक लगभग गिने तो 10-20। इस देख के लगता है इसको 10-20 खाई होगी ये, लेकिन सच में खा गई है 10-20 टॉफी। तो दोस्तों अब हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।